जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल बिहार टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उनसद जहां। बिहार इकलौती सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब अरशद अस्थानवी ने इलहाज रागिब हसन हादी हाशमी हाई स्कूल प्लस टू के सेक्रेटरी मुंतखब होने पर अपनी तरफ से और बिहार इकलौती सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से उन्हें मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ दानिश्वराने गया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। हादी हाशमी हाई स्कूल प्लस टू गया, वो उस तारीखी शहर का नहायत ही तारीखी इदारा है और वहाँ गुज़श्ता दिनों सेक्रेटरी का जब इंतखाब हुआ तो जनाब रागिब हसन साहब को सेक्रेटरी मुंतखब किया। ये एक बहुत ही अच्छी और उम्दा खबर है हम तमाम लोगों के लिए, इसलिए कि रागिब साहब उसी स्कूल के तालिबे इल्म रहे, वहाँ के उस्ताद रहे और वहाँ के प्रिंसिपल रहे। उस्ताद और प्रिंसिपल होने के अलावा रागिब साहब मिल्ली मसाइल में हमेशा दिलचस्पी लेते रहे और मसाइल के हल के लिए कोशां। मिल्ली मसाइल के अलावा अकलियती स्कूल के असातिज़ा के मसाइल के लिए भी वो न सिर्फ ये के बेदार रहे बल्कि मुतहर्रिक व फ़ाल रहकर अकलियती स्कूल के असातिज़ा और मुलाज़मीन के मसाइल को हुकूमत के ज़रिया हल कराया और जो मसाइल हुकूमत के ज़रिया हल नहीं हो सके उन्हें अदालत में ले गए और अदालत से कामयाबी हासिल करके तमाम अकलियती स्कूल के असातिज़ा और मुलाज़मीन को उनका वाजिब हक दिलाया। वो शुरू से मुतहर्रिक हैं और फ़ाल हैं और ऐसे में उनको जब दानिश्वरा ने गया ने और वहाँ के लोगों ने मुत्तफ़िका तौर पे वहाँ स्कूल का सेक्रेटरी बनाया तो ये उम्मीद बजा तौर पे उनकी शख्सियत से की जा सकती है कि वो हादी हाशमी हाई स्कूल को बुलंदियों पर ले जाएंगे, उरूज तक पहुँचाएँगे और स्कूल के मफाद में वो कुछ कर डालेंगे जो अब तक नहीं हो सका है। उनके इंतखाब के लिए जहां रागिब हसन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, वहीं दानिश्वराने शहर गया के तई भी इजहार तशक्कुर करता हूं कि उन्होंने ऐसे लायक व फायक शख्स को वहां की सेक्रेटरीशिप दी और उनसे मुस्तकबिल में काम लेने की सोची। उम्मीद है कि रागिब हसन जिस ओहदे पर गए हैं उसका हक वो अदा करेंगे और स्कूल को असरे नौ सजा संवार कर बिहार का तारीखी स्कूल बनाने में कामयाबी हासिल करेंगे। वैसे भी रागिब हसन साहब पहले से भी गया के तमाम प्रिंसिपलों में बेस्ट प्रिंसिपल माने जा चुके हैं, तस्लीम किए जा चुके हैं, इसलिए उनसे अच्छी उम्मीदें हैं। हमारी नेक तमन्नाएं रागिब साहब के साथ हैं कि और हादी हाशमी प्लस टू हाई स्कूल के साथ हैं और उन लोगों के साथ भी हैं जिन्होंने इन्हें मुंतखब किया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर। इसी प्रकार की आने वाली हर छोटी बड़ी ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बिहार टीवी को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।